भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश स्तरीय वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा के सभी शीर्ष नेता मौजूद रहे। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी अपने विचार रखे। इस बैठक में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने ग्रास रूट पर जुड़े कार्यकर्ताओं से चर्चा की तथा संगठन को मजबूत करने के लिए मंथन किया गया। वह इस बैठक में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर भी मंथन किया गया। बैठक के दौरान सभी कार्यकर्ताओं से उनकी राय जानी गई ताकि संगठन को मजबूती मिले। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी में भी प्रदेश भाजपा की वर्चुअल मीटिंग में मंडी जिला के भाजपा के तमाम पदाधिकारियों ने तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस बैठक में सांसद रामस्वरूप शर्मा बल विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंदर सिंह गांधी, भाजपा के जिलाध्यक्ष रणबीर ठाकुर, नगर परिषद मंडी के अध्यक्ष सुमन ठाकुर सहित सभी मंडल अध्यक्ष व पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा मैं उपाध्यक्ष हूँ प्रदेश में और जिला मंडी की प्रभारी होने के नाते मैं आज जिला मंडी की बैठक में आई हूँ। पर आज हमारी प्रदेश की कार्य समिति की वर्चुअल रैली आज हो रही है और हमें कहा गया कि अपने अपने जिला में आप लोग भी इस बैठक को अटेंड करेंगे और पूरे प्रदेश में आज हर जिला में ये बैठक वर्चुअली हो रही है। और आज इस बैठक में हमारे जिला मंडी की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ प्रदेश कार्य समिति का सदस्य, मंडल के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, जिला के महामंत्री और हमारे माननीय सांसद रामस्वरूप शर्मा जी भी हमारी बैठक में आए हैं और प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्माननीय सदस्य इस बैठक में हैं। और मुझे लगता है 25 से 26 लोग और मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्री प्रदेश में जो हैं वो भी इस बैठक में अपेक्षित हैं। और आज वर्चुअली हमारी बैठक शिमला से चल रही है और हर जिला में हो रही है और इस बैठक में अभी विस्तार से सारी चर्चा होगी। अभी हमारा उद्घाटन सत्र चल रहा है और शिमला से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी का अभी उद्बोधन चल रहा है और इसके बाद हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन जी जो है इस उद्घाटन सत्र को लेंगे और राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग जी भी इस बैठक में रहेंगे और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे मंडी से ही संबंधित हमारे ठाकुर जयराम जी का समापन जो बैठक का वो शिमला से करेंगे। और इस प्रकार ये बैठक पूरे प्रदेश में एक समय में चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज तो मैं अभी जब हम लोग वंदे मातरम का भी गान कर रहे थे तो पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, और एक बड़ी बात है कि इस बैठक को वर्चुअली हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शांता कुमार जी और हमारे दिल्ली में वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी इस बैठक को जो है वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं। और इस बैठक में आगे जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, यह बैठक हमारी 5:30 बजे तक चलने वाली है और इसमें विस्तार से चर्चा होगी। 2020 का पंचायत का चुनाव किस प्रकार लड़ना है क्योंकि वो अभी 9 दिसंबर में होने वाला है, उस पर भी चर्चा होगी। और मुख्य जो हमारा जो 2022 का चुनाव विधानसभा का चुनाव है उसमें क्या रणनीति तैयार होगी, इस बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। और आज इसी बैठक का एजेंडा यही रहेगा तो जो दिशा निर्देश हमें जिला मंडी के लिए दिए जाएंगे, प्रभारी होने के नाते यहाँ के टीम के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे और यहाँ के हमारे टीम अध्यक्ष, महामंत्री और मंडलों में और सभी विधायक भी आज हमारी बैठक में हैं। इंदर सिंह गांधी जी भी हैं और बाकी सभी मोर्चों के प्रदेश में अध्यक्ष राजबली जी हैं और युवा मोर्चा के महामंत्री ज्योति कपूर जी, इस प्रकार के सभी सम्मानित लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसी वजह से हमारी बैठक लेट हुई, जबकि हमारी 15-16 मार्च को हमारी गोंडा साहिब में स्तर की बड़ी बैठक प्रदेश की हुई थी और आज वर्चुअली इसीलिए ये की जा रही है क्योंकि हम एक जगह इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जिला मंडी में हमारे 25 से 26 लोग इस बैठक में अपेक्षित हैं तो इस प्रकार हर जिला में इस प्रकार के हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया है
और चेहरे पर मास्क लगाना और सैनिटाइजर का ध्यान रखना, हाथ धोना, इस बैठक में इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो इस कोरोना काल में जितना काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा सामाजिक दूरी का ध्यान रखो और हाथ बार बार धो और चेहरे पर मास्क लगाओ, ये हम लोगों को बता रहे हैं और हम लोग तो उस पर चल ही रहे हैं। तो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा क्योंकि कोरोना से भी लड़ना और पार्टी का काम भी करना, संगठन का काम करना और सरकार जो काम कर रही है उनको साथ में चलना होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कोरोना ना जाने कब तक चलेगा, लेकिन उनको इसके साथ अपने कामों पर रोक लगाना वो भी असंभव है। इसके साथ साथ काम कर रहे हैं।